भारत में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या, टोल कलेक्शन में आ रहे उछाल, सर्विसेज पीएमआई के 13 साल के उच्चतम स्तर और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से क्या संकेत मिल रहे हैं, ये सब इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि भारतीय इकॉनमी बेहद मजबूत स्थिति में है और यहां पर मंदी की जरा भी आशंका नहीं है। मंदी ना आने के कयास लगाने की वजह अकेले ये इंडिकेटर्स नहीं है। दरअसल वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दावा किया है कि भारत में मंदी आने का चांस नहीं है। बड़े देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जहां मंदी की 0% संभावना है। हाल में आए कारों की बिक्री समेत तमाम तरह के आंकड़ों से भी भारतीय इकोनॉमी में दमखम नजर आ रहा है। IMF के मुताबिक इस साल फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी। इस बीच दुनिया में मंदी की आशंका की बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा 75% आशंका ब्रिटेन में है। इस लिस्ट में न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है जहाँ इस साल मंदी आने की 70% आशंका है। अमेरिका 65% आशंका के साथ तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में बैंकिंग संकट और नकदी संकट की आशंका से मंदी आने की आशंका कई गुना बढ़ गई है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और अगर वो मंदी की चपेट में आती है तो दुनिया भर में इसका भयानक असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका में हाल ही में जिस तरह से बैंकों के डूबने के मामले सामने आए हैं और फेड भी लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, उससे भी अमेरिका का संकट काफी बड़ा है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर 1 जून तक डेट सीलिंग यानी कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो अमेरिका अपने इतिहास में पहली बार डिफॉल्ट कर जाएगा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर भी अनुमान जाहिर किया है कि इनके मुताबिक जर्मनी, इटली और कनाडा में मंदी आने की आशंका 60% है। वहीं फ्रांस में 50%, दक्षिण अफ्रीका में 45% और ऑस्ट्रेलिया में मंदी की आशंका 40% है। इसके अलावा जिन देशों पर मंदी का साया मंडरा रहा है उनमें शामिल रूस में 37.5%, जापान में 35%, दक्षिण कोरिया में 30% और मैक्सिको में 27.5% मंदी आने की आशंका है। वहीं स्पेन में 25%, स्विट्जरलैंड में 20%, ब्राजील में 15% और चीन में इस साल मंदी आने की आशंका 12.5% है। रिपोर्ट में सऊदी अरब में 5% और इंडोनेशिया में 2% मंदी आने की आशंका भी जताई गई है। शुक्र मानिए, इस रिपोर्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है।